जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक हमारा चल रहा है रूल्स ऑफ एग्रीमेंट, फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है इस सीरीज़ का। हम 20 रूल्स पढ़ चुके थे, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 है वर्ब विद नॉमिनल एडजेक्टिव्स। नॉमिनल एडजेक्टिव्स के साथ वर्ब क्या होगा? इनके साथ वर्ब प्लूरल होगा। हमारे पास सेंटेंस है द पुअर आर गेटिंग पुअरर। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, पढ़ चुके कि जब किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आ जाएगा तो फिर वो प्लूरल बन जाता है। तो द पुअर का मतलब गरीब लोग, तो इसके बाद वर्ब क्या है? आर गेटिंग पुअरर। द फ्रेंच लव ईटिंग इन रेस्टोरेंट्स। तो द फ्रेंच से मुराद फ्रेंच पीपल, और इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो क्या है? प्लूरल है, लव। तो नॉमिनल एडजेक्टिव्स के बाद आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। रूल नंबर 22, वर्ब विद सिंगल फ्रेज और क्लास। अगर किसी फिक्रे में एक सिंगल फ्रेज आता है या सिंगल क्लास एज अ सब्जेक्ट आती है तो उस सूरत में वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? तो ऐसी सूरत में सिंगुलर क्लास या सिंगुलर फ्रेज एज अ सब्जेक्ट किसी फिक्रे में आता है तो इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। हमारे पास सेंटेंस है ओपनिंग माई प्रेजेंट वॉस एक्साइटिंग। तो इसके बाद वॉस एक्साइटिंग, ठीक है, तो ये सिंगुलर क्लास, इसके बाद आने वाला जो है वो वर्ब सिंगुलर। रूल नंबर 23, वर एस सिंगुलर वर्ब। हम रूटीन में क्या पढ़ते हैं कि वॉस सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है, लेकिन अगर किसी फिक्रे में हम कोई विश एक्सप्रेस करते हैं, ख्वाहिश या हसरत या कोई ऐसी बात जो हकीकत ना हो लेकिन यूं लगे कि ये ऐसा है, तो उस सूरत में हम वाज की जगह वर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विश माई फ्रेंड हिना वर हेयर। अब आई विश क्या है? एक विश है। हिना इट्सेल्फ क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसके बाद आने वाला वर्ब क्या है? इसके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल है। फिक्रे का तर्जमा क्या होगा? काश मेरी दोस्त हिना यहाँ पर होती। तो जब हम विश एक्सप्रेस करेंगे किसी फिक्रे में, हसरत, काश, इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होगा, तो फिर वास की जगह वर ले लेगा। दूसरी एग्जाम्पल, ही वीप्स एज इफ ही वर बीटन। ही वीप्स एज इफ ही वर बीटन। तो ही यहाँ पर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिक्रे के पहले हिस्से में इसके साथ वर्ब वीप्स सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ वर्ब क्या है? वर प्लूरल है। तो क्या है? कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट, यानी हकीकत में ऐसा नहीं हुआ लेकिन उसने इस तरह से शो किया कि उसे पीटा गया है, मारा गया है, तो वो इस तरह से रोता है। तो ये दो कंडीशंस हैं जहाँ पर आप जो है वो वाज को वर की जगह यूज़ करते हैं, और ऐसी सूरत में वर जो है वो सिंगुलर ही समझा जाता है। लास्ट पॉइंट है जी नंबर 24, टू नाउन्स विद ईच और एवरी। अगर फिक्रे में दो नाउन है और दोनों के साथ ईच या एवरी है तो उस सूरत में वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। एवरी मैन एंड एवरी वुमन वाज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। तो एवरी पहला पोर्शन, एंड से जोड़ा गया, एवरी वुमन वास गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। तो इस सूरत में वर्ब क्या होगा? इस सूरत में वर्ब होगा सिंगुलर। तो हमारा एग्रीमेंट का टॉपिक कंप्लीट हुआ, चलते हैं रिवीजन की तरफ। जी, एग्रीमेंट का लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा। रूल नंबर 28 को हम थर्ड वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि अगर ये यूज होगा जजा सजा के मानों में तो फिर इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, द वेजेस ऑफ सिन इज हेल होगा। रूल नंबर 29 ये है कि टाइम के साथ, डिस्टेंस के साथ, सम्स ऑफ मनी के साथ हम जो है इनको जब कंसिडर करते हैं एज अ सिंगल यूनिट तो इनके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। 3 miles इज टू फार टू वॉक होगा। $10 इज अ हाई प्राइस टू पे होगा। नॉमिनल एडजेक्टिव सच एज द पुअर, द रिच, द ब्रेव,
जब ये सब्जेक्ट के तौर पे आएंगे तो ये प्लूरल होते हैं, इनके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। द पुअर आर गेटिंग पुअरर, द पर्शियन लव ईटिंग इन रेस्टोरेंट्स, द फ्रेंच लव ईटिंग इन रेस्टोरेंट्स, वट एवर, जो भी आप नेशनलिटी चेंज करते जाएंगे तो इनके साथ वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। उसके बाद क्या है जी, 31st है, टू शो द पोजेशंस ऑफ ऑल द सिंगुलर एंड प्लूरल मेल और फीमेल नाउंस वी यूज द थर्ड पर्सन पोजेसिव एडजेक्टिव्स देयर हिज हर इट्स। अ बॉय शुड माइंड हिज बिजनेस होगा, द स्टूडेंट शुड माइंड देयर होगा, एवरीवन शुड माइंड हिज हर ओन बिजनेस होगा। तो ये इसकी क्या होंगी जी, ये करेक्ट फॉर्म होगी। द स्टूडेंट शुड माइंड आवर बिजनेस, हम करेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसी एतबार से इसके साथ, सॉरी थर्ड पर्सन प्लूरल है तो उसी एतबार से उसके साथ जो है वो देयर आएगा। नेक्स्ट है जी, प्रोनाउंस हु एंड दैट आर यूज्ड विद पर्सन व्हेन एज द रिलेटिव प्रोनाउन विच एंड दैट आर यूज्ड विद थिंग्स। द बॉय विच मेट, विच इंसानों के लिए यूज नहीं हो सकता, हु यूज होगा। द बॉय हु मेट यू वाज अ डॉक्टर, इट वाज द फर्स्ट टॉय होम शी लाइक्ड बेस्ट। तो यहाँ पर विच होगा या दैट होगा। 33rd है, अ सिंगल फ्रेज और अ सिंगल क्लास यूज एज अ सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ओपनिंग माई प्रेजेंट वॉज एक्साइटिंग होगा, वर गलत होगा क्योंकि ओपनिंग माई प्रेजेंट जो है वो एक सिंगल क्लास है। 34th है जी, द वर्ड वर रिप्लेसेस वॉज इन सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस अ विश और अ कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट कंडीशन। यानी जब ख्वाहिश और हसरत का इजहार होगा तो हम वाज की जगह विश इस्तेमाल करेंगे, या ऐसी सूरत जहां पर जो है वो इस तरह से बात की जाए कि एक्चुअली वैसी ना हो। आई विश माई बेस्ट फ्रेंड हिना वर हेयर, ख्वाहिश है, करेक्ट है सेंटेंस। ही वीप्स एज इफ ही वर बीटन, यानी पीटा गया नहीं है लेकिन वो रोया यूं कि जैसे उसे पीटा गया था। इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट कंडीशन। 35th है जी, इधर नीदर ईच एवरीवन मैनी मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। इधर वन ऑफ द स्टूडेंट लव्स टू राइट, मैनी आ होगा तो उसके बाद भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। 36th है जी, टू नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी इवन दो कनेक्टेड बाय एंड रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। एवरी मैन एंड एवरी वुमन वाज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। चलें जी, एग्रीमेंट हमारा खत्म हुआ सिर्फ इस लेक्चर के लिए। अगले जो लेक्चर्स हैं वो हैं हमारे कॉम्बिनेशन पर, तो चलिए दोबारा कंबाइन होंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।